आज ना हमारा ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं हुआ है, मतलब मुझे मज़ा नहीं है ब्रेकफास्ट खाने में। तो हमारा जो सेवियर है वरुण ने हमारे लिए कल केक लेके आया था, हमने निकल नहीं खाया था क्योंकि पापड़ी चाट खाते गए, हमने पापड़ी हो गया था। तो अब हम ये केक खाने वाले ठंडे में। अमेजिंग यार, मज़ा आएगा। गुड स्टार्ट, कुछ मीठा हो जाए वाला स्टार्ट है। बड़ी तो हल्द्वानी में था ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हेलो, डू यू वांट सम केक? अबे खा मत, दे उसको, दे, उतना तकलीफ क्यों दे रहा है उसको। वाओ, हाय, डू यू लाइक केक्स? ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट खाते। अच्छा है क्या, बोल तो सही कुछ। हम लोग निकल ही रहे थे एंड देखो हमने को कॉल मिला, स्क्वाड आरजीवी मून निकनेम भारत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मीटिंग। ये आए रुद्रपुर से, मैं बस थोड़ा देर में से टाइम पास कर रही थी यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट गियर अप हो गए थे और निकल नहीं पाए थे, तो मैं ये दिखे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मींस अ लॉट। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगा, मेरे को बस मिलना था आपसे, एक सेल्फी लेनी थी, उसके लिए इतनी दूर से आया हूँ। दूर से तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूर नहीं है, 70 किलोमीटर दूर, पहाड़ों में 70 किलोमीटर, हजारों हजारों किलोमीटर दूर नहीं होता, हम 70 किलोमीटर। दिस मींस अ लॉट। तुम लोग आज मेरी सुबह से तबीयत खराब है, आज ना निकलने का भी प्लान नहीं था, मम्मी ने बोला था रुक जा, मैं मरी नहीं, आज निकलते जाते एक दिन फुकर का ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। बट फिर ऐसे मुझे से टॉप अप्स मिलते हैं, बूस्ट मिलते हैं और फिर आई कंटिन्यू माय राइड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। ट्रिप सेट टू जीरो, अपा मोरिया, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। ऐसी ताकत देते रहे भगवान, ऐसी चलाते रहो। बाय गो स्टॉप्स, थैंक यू सो मच। माल रोड, नैनीताल क्लब, बी डी पांडे हॉस्पिटल, गाइस ये नैनीताल वाला मार्केट है, यहाँ पर हमने पी एन पार्क किया था राइट में। इतने धूप में तो बोटिंग नहीं करनी है और शाम को नहीं करनी, कोई ठंड लगती है इसलिए बोटिंग किया ही नहीं एक्चुअली में। ये नैनी लेक और ये है मॉल रोड, नैनीताल का मॉल रोड, दिस इज वन ऑफ द सबसे बड़ा मॉल रोड। गाइस आज जाना अल्मोरा 65 किलोमीटर है, पहाड़ों वाला वापस रास्ता स्टार्ट हो चुका है। यूपी, ये पॉइंट है जहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है। वाओ, अगर बाइक पे नहीं हूँ ऐसे ही रूम में बैठी रहो ऐसे बीमार जैसे लगता है। क्या हो जाता है ना, अगर मैं एक बार रूम में चली गई तो मैं रूम से बाहर नहीं आती क्योंकि मेरा एडिटिंग का काम चालू हो जाता है, फिर मैं निकल ही नहीं हूँ, मतलब बेड से उठती भी नहीं हूँ, ऐसे हाल हो जाते मेरे। और सुबह भी उठो तभी एडिटिंग कम्प्लीट करने के बाद मैं फिर उठ के ब्रश करके सूसू जाती हूँ। आज तो ऐसे हाल हो गए कि मैं भूल ही गई कि भाई मुझे मतलब वॉशरूम भी जाना है, फ्रेश भी होना है। और लास्ट व्लॉग का पूरा गोप्रो क्लिप्स मेरा पता नहीं कैसे क्या फॉर्मेट हो गया था, तो मैं बहुत सैड भी हो गई थी, शायद उसकी वजह से भी आई वॉज फीलिंग लिटिल सैड सैड। 15 किलोमीटर का राइड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप ले लिया है, यहाँ पर एक बोर्ड था जहाँ पर सेल्फी पॉइंट लिखा था एंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव था, प्लस देयर इज अ व्यू पॉइंट फ्रॉम हियर। अगर ये देखेंगे हम लोग यहाँ से तो पूरा हल्द्वानी दिखाई देता है नीचे का, एंड यू ऑल्सो सी नैनीताल विच इज़ राइट देयर, एंड ऋतिक रोशन का स्कूल कोई मिल गया वाला भी वही कही है, बस अभी अपन आए हुए हैं। एंड सुबह हम लोगों ने इतना अच्छा वाला ब्रेकफास्ट किया नहीं था इसलिए हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इनको ऑर्डर दे दिया है एक कॉफ़ी, दो चाय, वन बर्गर विच इज़ गेटिंग रेडी। आज मैं बर्गर खा रही हूँ कि नूडल्स खा करके पेट की वाट लग रही है एंड दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा है, सो आई एम गोना हैव बर्गर एंड कॉफ़ी हियर द बाके, दिस इज़ गोइंग टू बी ब्रंच फॉर मी नाउ। बड़ा फैंसी सा बर्गर यहाँ पर आया हुआ है, काफ़ी टाइम बाद मैं बर्गर खा रही हूँ। गाइस छोटा आदमी को अभी रोते हुए देखा है? रोना अभी नहीं, एक्चुअल रो रहा था, वैसे रो, सच्ची वाला रो। सच्ची वाला कैसे रोते है? अभी जो रो रहा था तू 5 मिनट पहले, चश्मा क्यों पहना है? क्योंकि इसकी आँख में से पानी आ रहा था पूरा, छोटा ज़ूम करके दिखा, देखा पानी आ रहा है। छोटा थी रो इसलिए रहा है क्योंकि उसके बाइक का ब्रेक फेल हो गया और उसका दिल बैठा जा रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, काम कर लो, तू रुद्र चला ले, मैं तेरी वाली चला लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, स्लो स्लो से जाएंगे, डर मत। मम्मी की याद आ रही लगता, देखो बताना प्लीज कैसे रो रहा था विकास। चाय मार दो के दोनों के मुंह पर ध्यान रखना। सब्सक्राइब कर लिया इन्होंने, अपनी आवाज आ गई मतलब। Guys, it's a squad RGV's birthday. Happy birthday! Thank you. ये भीमताल से यहाँ पर मिलने आए हमें। Birthday gift मिल गया है मुझे, RGV ने birthday gift दे दिया है मुझे यहाँ पर आकर के। Randomly मैं यहाँ से जा रहा था और अचानक से मेरे birthday, मतलब क्या बोलूँ मैं, goosebumps आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। RGV ने यहाँ पर सरप्राइज दे दिया है मुझे। Thank you. For coming and meeting. Hey, hi. Guys, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है, सो रहे थे यहाँ पर, बहुत अमेजिंग फोटोज खींचता है जहाँ पर हार्ट बनाया हुआ है एंड इंस्टेंट फोटो कॉपी है, 20 रुपीज, वर्थ इट, मतलब यू कैन टेक बैक मेमोरी होम। मस्ट है, मैंने भी यहाँ पर एक अमेजिंग सा फोटो खींचा हुआ है। बाय, थैंक यू, अच्छा लगा, आपने बहुत सारी फोटोज खींचे ना मेरे इसलिए, अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा। हाँ आप क्या देती हो यहाँ पर?
गाइज यहाँ पर आ रहे हो तो अचार अचार है, टॉफीज अचार। आंटी यही पे, आप यही पे रहते हो ना पूरा टाइम? ओ वाओ, ये आप खुद से बनाते हो? बहुत सुंदर है यार। गाइज यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती है, झुमके वो सब। प्लीज अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से जरूर से लेना चीजें। हाय गाइज, हेलो, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। अच्छा लगा, हमें बताया हम दौड़ के आए। हाँ क्या, प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहना, बहुत जरूरत है प्यार का। क्या बाय 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 लगा। सी उत्तराखंड मैक्सिमम प्यार। 2:30 हो गए यहाँ पर, अब खाना वाना तो हो गया है, अब थोड़ा दौड़ाते हैं बाइक। क्या लगता है जाने देंगे कि नहीं हमें? अल्मोड़ा इज 54 फ्रॉम हियर। 2 किलोमीटर पे भवाली आने वाला है। ओ हो, वैलेंटिनो रॉसी टर्न, क्या बात है। अरे डॉगू की जाली तू। राइट में भीमताल आता है, 10 किलोमीटर पे भीमताल है। आने के टाइम पे हम करेंगे भीमताल और मुक्तेश्वर। मेमोरी कार्ड भी मिलेगा क्या यहाँ पर? अगर मेमोरी कार्ड मिलेगा तो मैं शायद ले भी लूंगी। चल चल ना, वो रास्ते में दिख जाएगा अंदर में। पेट्रोल पंप, यहाँ पर पेट्रोल का रेट सिर्फ 93 रुपीज था। मस्त ना, अमेजिंग। बाइक रिपेयरिंग नहीं हो रहा है तो कहाँ होगा, पूछना उसको। आराम आराम से चल गाइस। यहाँ से हम जा रहे कैंची धाम जो कि 7 किलोमीटर दूर पे है। कैंची धाम की कहानी आप पहुंच के तुम्हें बता दियो। इन द मीन टाइम एंजॉय रास्ते, वी लाइक कर्व्स। गाइस मेरे लेफ्ट में है कैंची धाम। ए मतलब देख के क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे अंधाधुंध क्रॉस करेंगे। पीछे फ्रूट जूस है, फ्रेश फ्रूट जूस मुझे पीना है। गाइस कैंची धाम तो नीचे ही है, हाली है मिनट अवे, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था क्योंकि मेरा गोप्रो मुझे धोखा दे रहा है, मेरे फाइल्स धोखा दे रही है, मेरे गैजेट्स को पता नहीं क्या हो गया। आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज। उनको ये पता है कि 1 मिलियन हो रहा है, अपग्रेड करना है, इसलिए मैंने साइड में रुक के जितने भी फाइल्स अपने रिकॉर्ड किए हैं वो सारी कॉपी करके ले लें। कैंची धाम जहाँ पर नीम करोरी बाबा है उसका दर्शन कर लिया। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए ज़्यादा शूट भी नहीं किया, मन भी नहीं करा था मेरा, क्योंकि उनको चाहिए था अंदर कि अगर तुम कोई मंदिर में जाते हो तो पूरी तरीके से वहीं पर ध्यान दो, वरना लोग वही सेल्फी वेल्फी खींचने चालू हो जाते हैं, हम जैसे लोग वीडियो बनाना चालू हो जाते हैं, फिर जिस काम के लिए हम एक्चुअली आए वो भूल जाते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग आई रियली लाइक। जो नीम करोरी बाबा है इनको काफ़ी चमत्कारी बाबा माना जाता है। एंड ये कुछ टाइम पहले जब ट्रेन पकड़ के हल्द्वानी क्रॉस कर रहे थे तब बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे एंड TC ने इनको रोक लिया। रोकने के बाद जब इनको पूछा टिकट तो इनके पास टिकट नहीं थी, उनको उतारा गया ट्रेन में से। उतारने के बाद ट्रेन ऑटोमेटिक बंद हो गई एंड उनको रीज़न पता नहीं चला कि क्यों बंद हो गई। उसके बाद में जब वो बाबा वापस चढ़े ट्रेन में तब ट्रेन चालू हो गई। तो ऐसे ही काफ़ी सारे चमत्कार हैं उनके बारे में बताए गए। तो हम भी ऐसे ही 1 मिलियन का कुछ अच्छा अच्छा पूरा हो जाए इसके लिए हम आए यहाँ पर उनसे मिलने के लिए। एंड इसका नाम कैंची धाम इसलिए बिकॉज टॉप से ये कैंची जैसे दिखाई देता है, इसलिए कैंची धाम। एंड जब बाबा यहाँ से पास हो रहे थे कैंची धाम से तब उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि वो यही बस गए, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगा दिया एंड तब से वो यही थे। सबसे छोटा वाला तुम मेरी वीडियो देखते हो? रियली क्या बात कर रहे हो, थैंक यू। सबसे पहले क्या बात है, मुझे नहीं पता था छोटे छोटे। अच्छा आप ये भाई जल्दी बड़ा हो जाए यार, वीडियो देखेंगे फिर। कई शगुन, थैंक यू। कौन संभाल के रखने वाले कहाँ रखें, कौन से वॉलेट के? बैंक में जमा पूंजी। ये नेपाली करेंसी है ना? जी, चश्मा लगा। आप नेपाल से हो? जी। गाइस हमने 50 रुपीज नेपाली करेंसी कमाया आज अशगुन, थैंक यू गाइस। ओके बाय। कैची धाम के बाजू में एक जूस सेंटर है एंड वहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े नींबू है। ये कितने के नींबू आएंगे? 30 का एक है, 30 ग्लास बनेगा।
बनता एक ही ग्लास है। पी रहे शिकंजी, माल्टा और नींबू मिक्स। माल्टा मेरे पापा का फेवरेट ड्रिंक था, सिर्फ माल्टा एंड जिंजर, तो भी जिंजर जिंजर कुछ तो पीते थे। पुदीना, माल्टा, नींबू, बड़ा नींबू, छोटा नींबू, सोडा, शुगर, सम सॉल्ट, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। मैं ये पहली बार पी रही हूँ। खराब रास्ते। हम लोग पहुँचे हैं पाटली और टाइम हो रहा है 4:45। अल्मोड़ा यहाँ से कुछ 55 किलोमीटर्स है। अभी तक सुबह से हम लोगों ने सिर्फ 25 किलोमीटर ही चलाया है, तो हर 15 किलोमीटर में तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा अच्छी चीज़ देखने के लिए। घरों देखो पहाड़ पे, पर ये पहाड़ पे अगर घर ले लिए तो पार्किंग कहाँ करेंगे। जैसे अभी मैंने भवाली में घर देखा, बट वही सीन है कि पार्किंग नहीं है भाई। यहाँ पर बीच में रास्ते थोड़े ख़राब होते जा रहे हैं और हम कोशिश करें कि पहाड़ों का रूल फॉलो करें, तेरा होते ही कहीं रुक जाए। गाइस ये देखो कितना ही सुंदर है, सूखी नदी है पूरी। राती घाट पे अभी हम लोग, अमेजिंग इज़न्ट इट। नदी सूखी हो या भरी हो, एक नंबर लगती है दोनों जगह से। नेक्स्ट लेवल रास्ते यहाँ के गए फिलहाल। थोड़ी रास्ते ख़राब मिल रही है वाले रूट पे हम लोग को। गर्म पानी, क्या जगह का नाम है, गर्म पानी मिलता है, गर्म पानी का कुंड है यहाँ पर, समझ में नहीं आया। स्क्वाड यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, अपनी बाइक, नदी, पहाड़, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़ एंड वहाँ सामने दिख रहा है मून, एक नंबर, वेरी क्लियरली। फुल मून डे है ना आज, इसलिए अबड़ रास्ते है। आगे पत्थर गिरने का भय है, सबसे ज़्यादा भय तो हमको है। भारी है ये तो भारी नहीं है, कैसे उठा रहे हो? फेंक दिया। मुंबई से घूमने आए हो? मुंबई से घूमने, उत्तराखंड घूम रहे अभी। अच्छा। देवभूमि घूमने का है अपना। अच्छा। तो आप ये रोज लेके जाते हो? हाँ? ये कौन सी पत्ती है? ये घास। हाँ? इसको तो बोलते हैं काकशी, बोलते हैं हम इसको काकशी। हाँ। और ये क्या जलाने के लिए? नहीं, ये गाय, भैंस, गाय चारा है, ये चारा है, बकरी, बैल। हंसो भाई, कितना दूर है अभी आपका घर? हमारा घर वो उधर गांव दिख रहा है, वो है हमारा गांव। दूर है वो, दूर है ना वो, दूर कहाँ है, दूर हमारी वीडियो भी बना दी, फोटो भी खींच दी, बस अब मुंबई में देखना। हाँ। मुंबई जाके देखना हमको। आप गढ़वाली हो? अच्छा, गढ़वाल जाके देखना फिर। तीन जने अपना अपना गाड़ी, हाँ तीन जने अपने अपने गाड़ी, तीन जने अपने अपने गाड़ी को लेके आए। चलो फिर हमारे गाँव चलेगी। चलो कौन सा है आपका? वो है वो घाट, वो नौगांव। अगर हम गाँव में आए तब पिलाओगे चाय? क्यों नहीं, हम तो परदेशी आदमी को चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिला देते हैं। चलो फिर चाय पीते हैं। चलो गाड़ी जाएगी, जाना पड़ता है पैदल तो। हाँ, गाड़ी नहीं जाएगी? नहीं 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 भैया, गाड़ी नहीं जाती, यहीं से पैदल जाना पड़ता है, पुल से पैदल जाना पड़ता है। ठीक है ठीक है, ख्याल रखो, बाय, थैंक यू। हाँ, पहाड़ी लाइफस्टाइल, मेहनती लोग, मैंने इनको कहाँ से चलते हुए आते हुए देखा वो दूर से, एंड इतने स्वीट थे ये लोग। मेरे से आके बात किए, अपना वो जो सर का था वो नीचे रख के बताए उन्होंने कैसा काटा है, कहाँ से काटा है,
तो वो जो था घास वो गाय के लिए चारा था एंड जो लकड़ी थी वो जलाने के लिए थी। और अपना छोटा हाथी देखो वहाँ पर बैठे हुए, क्या एक छोटा हाथी सर पे एक छोटा हाथी नीचे बैठे हुए हैं। बफरिंग मोड ऑफ, मैं बताती हूँ इनको, बताती हूँ फुल वीडियो गाइस, मैं बताती हूँ क्या होता है। उदित को ना बीच बीच में वो ऐसा लोडिंग बफरिंग वाले जोन में चला जाता है। हमने बोलते उदित 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 का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, कुछ टाइम बाद फिर रिस्पॉन्स आता है। बाइक पे भी भगाया भगाया, और फिर हम लोग विकास में कनेक्टेड इंटरकॉम से हम लोग बोलते हैं हाँ भाई अब फुल लैंड वायर कनेक्टेड है, फिर अचानक स्लो हो जाएगा, फिर हम लोग बफरिंग बफरिंग मोड पे हैं। पिक्चर अपलोड होने में टाइम लगता है क्या देखो भूल, हाँ अभी वो बहुत दूर है, कनेक्शन फेल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, लैंड वायर नहीं पहुंच रहा यहाँ तक। ऐसे में ढूंढ आ रही थी और मेरे सामने आके वो वाले अंकल एकदम राइट इधर से शुरू कर रहे हैं। मतलब यार मैं हूँ सामने, यार लोग हैं सामने, देखो थोड़ा वहां जगह करो करना है। तो मैंने क्या वीडियो उतार दी, एंजॉय द वीडियो। फुल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, धूल मिट्टी नेचुरल पाउडर, हेलमेट के अंदर से मास्क के अंदर से पूरा अंदर जा रहा है। अब थोड़े एंड एंड के जो रास्ते रहेंगे लास्ट की 30 किलोमीटर वो ऐसे ही रहने वाले हैं। ओ भाई यहाँ पर गए हम लोग अल्मोड़ा जो पहुँच गए हैं एंड यहाँ पर मतलब लाइन से कंटिन्यूस से स्वीट दिखाई दे रही है, मतलब स्वीट शॉप्स आप मुझे कम से कम 15 स्वीट शॉप्स हमने क्रॉस कर लिया होगा। इसके पीछे का रास्ता पता नहीं क्या है, इनको पता चल गया लगता है 1 मिलियन के नजदीक है हम लोग। ये देखो क्या पर क्या है, सिटी मॉल, माय गॉड दिस पैंटलूंस दिस स्पाइक ट्रेंड्स है यहां पर, मेरे को लिपस्टिक मिल जाएगी, दिस पूमा लेवाइस, भाई देखना है क्या, देखते हैं कुछ है क्या यहां पर। ओ माय गॉड डोमिनोज यहां पर है गाइस, रुक जाओ यहीं पर रुक जाओ, मूवी टाइम भी है यहां पर, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ये देख कितना कुछ है यहाँ पर गाइस। हम लोग मॉल में आ गए, मेरी जो लिपस्टिक मैंने नहीं खरीदी थी चेन्नई एयरपोर्ट से वो घूम गई थी, तो हम लोग यहाँ पर मॉल में आके ढूंढे कि वही लिपस्टिक अवेलेबल है कि नहीं, बट आई डोंट सी एनीथिंग। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और यहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं पहाड़ों में बसने की बातें तो मैं करी हूँ, बट बस पाएंगे कि नहीं, और ये सब देखे ऐसी खुशी खुशी टाइप्स लग रही है मुझे। एक हादी भी है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है इस पिज्ज़ा खाकर, आफ्टर एजीज आई थिंक डोमिनोज वाला पिज्ज़ा खा रहे हम लोग। अभी तक 1 मिलियन को 5,000 के बाकी है, अब जब तक ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा शायद 1 मिलियन हो जाएगा। जी अस प्री 1 मिलियन पार्टी, छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करके हम लोग बस ऐसे निकल गए। इट इज़ 7:52 राइट नाउ, मैं तुम लोगों को सीधा मिलती हूँ वहाँ पर पहुँच के। अभी अल्मोड़ा से हम जा रहे हैं कसार देवी विच इज़ अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम योर, 24 मिनट्स का रास्ता बता रहा है मार्केट हो के हम लोग जाने वाले, प्लस यहाँ पर ऑन द वे शायद हमको लेपर्ड्स भी देखने मिल जाए। अभी वी रेडी गाइस, इतनी बुरी मजे करने के बाद हम पहुंच गए हट्स हॉस्टल कसार देवी में, वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप में, एंड दिस इज वेयर आई एम गोना स्टे राइट नाउ। वैसे दो रूम है हमारे, एक मेरे एक विकास और उदित के जो कि वहाँ पर है। बाय द वे हम लोग ने आते आते इतनी मजा किया ना इंटरकॉम पे, मतलब सोच नहीं सकते हो तुम लोग। पूरे टाइम ये मुझे बोल रहा है कि देख ऊपर पेड़ पे देख कुछ चीजा दिख रहा है, क्या लटकते हैं नॉर्मल इंदुआ ऊपर लटकता है, और बाद में बोल रहा है देख भी उसके दांत चमक रहे रहेंगे ये करके बैठा रहेगा। यार क्या पूरा टाइम हम लोग ने हनुमान चालीसा गणपति बप्पा शिव जी जितने भी भगवान है सबके नाम ले लेके हम लोग यहाँ पर आए, और मेन शिकारी तो आगे घूम रहे थे आई नहीं रहा, आई नहीं रहा, चीता ढूंढ रहे थे ये आई नहीं रहा था। हम लोग बोले उदित को हो क्या गया है कि वो चीता ढूंढने को लिखना है, मतलब आज का एडवेंचर पूरा वही करने वाला है। और फिर फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए, हमारा स्वागत हुआ है समचाय के साथ। तो ये इसका टूर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, अभी के लिए गाइस इतना ही। एज ऑलवेज This is Radical Vishaka signing off, breaking all stereotypes. Thank you so much for making us a part of your day. We're gonna see you guys in another vlog. Please the like, share, subscribe, comment. Pata nahi 1 million hue ki nahi abhi tak, but abhi to 5000 baki hai. Till then, keep calm and don't talk. More power to you. Pizza mein ketchup kaun dalta hai? Domino's wale pizza mein ketchup kaun dalta hai? Guys, this is too much. आपको हम समिति से निकालते, निकलो पीछे चलना 1 किलोमीटर ठीक है दिखाई नहीं देना चाहिए लाइट आपकी अरे मोरी मैया जी का देख लियो मैंने